नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला साउथैम्प्टन के रोज बॉल मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 31 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 82 रन बना लिए हैं। बेन स्टोक्स और मोइन अली क्रीज पर हैं। इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही, जब जसप्रीत बुमराह ने केटन जेनिंग्स को LBW आउट कर भारत को पहली सफलता दिलाई। केटन जेनिंग्स एक बार फिर इंग्लैंड की तरफ से फ्लॉप रहे और शून्य के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की पारी के 5वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की एक गेंद पर जो रूट LBW आउट थे, हालांकि अंपायर ने उन्हें नॉट आउट कर दिया, लेकिन भारत ने जब रिव्यू लिया तो गेंद नो बॉल निकली। उस गेंद पर रूट आउट थे, लेकिन नो बॉल के कारण उन्हें जीवन दान मिला। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट बुमराह की नो बॉल पर मिले जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और 8वें ही ओवर में ईशांत शर्मा की गेंद पर LBW आउट हो गए। रूट 4 रन बनाकर आउट हुए। रूट के जाने के बाद जॉनी बेस्ट्रॉ 6 रन बनाकर आउट हुए, उन्हें बुमराह ने अपना शिकार बनाया। एलिस्टियर कुक को हार्दिक पांड्या ने आउट कर इंग्लैंड का चौथा विकेट झटका। संघर्ष कर रहे कुक सिर्फ 17 रन ही बना पाए। लंच के बाद मोहम्मद शमी ने जोस बटलर को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। बटलर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्पोर्ट्स डेस्क, इंडिया वॉइस।